वो गुरुद्वारा ये वाला जैसे कि आप देख सकते हो। तो यार अभी हमने ये वाला रिक्शा किया क्योंकि हमें जाना फतेहपुरी और वो यहाँ से थोड़ा पास ही है ना। इनका नाम है अभय और इनका यूट्यूब में चैनल भी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सैमी और करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज अमित, लेट्स स्टार्ट माय न्यू ब्लॉग। मुझे पता है कि आप मुझे बड़े दिनों के बाद देख रहे हैं और मेरी आवाज भी थोड़ी सी खराब हुआ है क्योंकि मेरे को खांसी लगी हुई है और गला बंद है मेरा, वो घर में थोड़ा काम वगैरह लगा है इसलिए। तो आप देख रहे हो कि मैंने बैग वगैरह डाले हैं, वो इसलिए डाले हैं क्योंकि आज मैं कहीं जा रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊँ कहाँ जा रहा हूँ। तो ये देखो, ये पीछे खड़ी है हमारी बस। तो यार हम जा रहे हैं दिल्ली, तो हमको साल में समर वेकेशन पड़ गए हैं, तो बाकी की बात हम करेंगे सीधा गाड़ी के अंदर। बच्चों तो ये देखो, ये है हमारी ऐसी बस, तो बाकी अंदर चलते हैं इसके। मेरे पापा भी आ गए हैं और अंदर की लोकेशन दिखाता हूँ, तो चलो चलते हैं। हाँ तो गाइस, हमें भी अपनी बस के अंदर आ गए और अपने कैमरे के अंदर बैठे हैं। तो पापा हमें आ गए, तो कैसा लग रहा है बस के अंदर? बहुत बढ़िया लग रहा है, कैमरे हमारा ऊपर। हाँ, और ये हमारा एसी लगा, ये देखो। हाँ तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि मैं दिल्ली क्यों जा रहा हूँ। मैं दिल्ली इसलिए जा रहा हूँ, मुझे एक काम है, तो अभी नहीं, मैं आपको बताऊँगा जब हम पहुँच जाएंगे फिर। तो पापा गए हैं अभी पानी वगैरह लेने और मैं अभी अकेला बैठा हूँ, तो लोग भी बाहर बैठे हुए हैं, तो जैसे आप देख सकते हैं अच्छे से ये ऐसी। तो जैसे कि मैंने आपको ये बस दिखाई, तो ये बस हमने ली है ये जीवल से और ये कुछ सुबह 9-10 बजे हमको दिल्ली पहुंचा देगी। जब हम पहुंच जाएंगे तो फिर मैं आपको सुबह का क्या कहते हैं कि सुबह की खूबसूरती दिखाऊंगा कि दिल्ली कैसी है और देखेंगे कि दिल्ली में क्या क्या, जितना मुझे एक्सप्लोर किया जाएगा तो मैं वो ज़रूर करूंगा। तो प्लीज़ मेरी आवाज़ को भी मैनेज करें, हाँ मेरी आवाज़ को मैनेज करें, जैसे भी आ रही है तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। तो उसका कैबिन कुछ ऐसा है, देखो ऐसा कैबिन है उसका और ये वॉशरूम है इसके अंदर। तो अगर हमको रात को वॉशरूम में जाना, कहीं भी जाना हो तो साथ में वॉशरूम हमको टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी पापा आते हैं, कहीं आपसे बात करते हैं। तो इसका कैबिन कुछ ऐसा है, स्लीपर है, देखो ये ऐसा है और इसके विंडो के नीचे ठीक नीचे प्लग भी, जैसे हम अपने फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ तो गाइस फाइनली अब हमारी बस चलना शुरू हो गई है और ये रात के कोई 10 बजे चलना शुरू हुई है, ये कह रहे थे कि 8:30 बजे निकलेगी पर करते 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 इन्होंने 10 बजे आ ही दिए। तो गाइस फाइनली अभी हम रुके हैं कोई रात के 12:30 बजे एक ढाबे में, एक तो वो ढाबा कुछ ऐसा है और यहाँ पे अभी हमने मंगाया बटर नान और ये दाल, तो इसको खा के टेस्ट करते हैं, तो देखते हैं कि कैसा मज़ा आता है या नहीं। चलो टेस्ट करते हैं। हाँ तो गाइस फाइनली अभी हम खाना वगैरह खा के वापस आ गए और गाड़ी में बैठ गया और अभी बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, अभी काला अंधेरा है और अभी बज रहे हैं रात का 1:30 और कम से कम दिल्ली में 6 बजे मिलेंगे, 7-8 बजे हम दिल्ली पहुँच जाएंगे आराम से। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और फाइनली अब हम दिल्ली के बस स्टैंड पहुँचने वाले होंगे, तो 10-15 मिनट तक हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे, फिर मैं अब आपसे सीधा बस स्टैंड पे मिलता हूँ। तो गाइस हम फाइनली अब हम दिल्ली पहुँच गए हैं और हमारी बस थी, तो
और यहाँ से भी हम ढूंढ रहे हैं कोई ऑटो रिक्शा, फिर हम यहाँ से चले गए और देखो कितने सारे लोग हैं। तो अभी हम रुके हैं कश्मीरी गेट और यहाँ से हम ऑटो पकड़ेंगे, फिर देखते हैं कि आगे हमने कहाँ पर जाना है। जहाँ भी जाएंगे तो आप हमारे साथ जाएंगे, तो चलो करते हैं हम दिल्ली का ब्लॉग। तो हमने ऑटो रिक्शा किया तो चलो रात का बस का चली हो गई। हाँ तो अभी हम पहुंच गए हैं चांदनी चौक और ये है सात समंदर। तो यहाँ से लोकेशन कुछ ऐसी है, तो चलो चलते हैं। तो यार अभी हम पहुंच चुके हैं चांदनी चौक के शीशगंज गुरुद्वारा। तो वो गुरुद्वारा ये वाला जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये है गुरुद्वारा। हमने ये वाला रिक्शा किया क्योंकि हमें जाना फतेहपुरी और वो यहाँ से थोड़ा पास ही है ना, तो इसलिए हमने किया ये साइकिल वाला। तो अभी हम पहुंच गए हैं मस्जिद फतेहपुरी और ये इसके आसपास का दुकानें हैं ये। यार हमको सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और हमने रास्ता फेस्टिवल भी किया था, तो अभी हम रास्ता कर रहे हैं। तो ये आ गए हैं दिल्ली के छोले भटूरे। मैंने सुना कि दिल्ली के छोले भटूरे सबसे अच्छे और टेस्टी होते हैं, है ना बाबा? तो अब मैं इसको खाऊंगा, फिर मैं इसको खाने के बाद आपसे मिलूंगा। मैंने वहां से भी नाश्ता वगैरह कर लिया और अभी हम जा रहे हैं रेड फोर्ट, जिसको हम लाल किला भी जाते हैं। तो अभी हमने ये बैटरी वाला रिक्शा किया, तो चलिए हम यहाँ से और आपको दिखाता मैं अंदर से रेड फोर्ट कैसा है। तो अब हम लाल किले के अंदर आ चुके हैं। अभी हो चुकी है दोपहर और गर्मी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना क्या बताऊँ, मैं खड़ा भी हुआ था। तो मैं अभी खाने आया हूँ फतेहपुरी बाज़ार का सरदार जी का फालूदा। ये यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस फालूदा है और पापा भी। तो गाइस मैं अभी बैठा हूँ मेट्रो स्टेशन के बाहर। ये टाइम हो रहा है अभी 5 और अभी हम एक चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर वो हमको मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, तो नहीं मिली तो बुरी बात है। तो अगर मैं आपको पहले बता दूँगा तो वो मज़ा नहीं आएगा, तो जब वो चीज़ आएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगा। और आ जानी चाहिए वैसे, तो साथ में हमने अपनी टिकट से बुक करवा दी। तो जो हम मेन इधर आए थे दिल्ली में, वो हम वो उसी चीज़ को लेने के लिए आए थे। वैसे तो हमने दिल्ली आ रहे थे क्योंकि दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और अभी हम इसके बाहर बैठे हैं और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चलती है, हमारे फैन भी होगा। तो गाइस जिस चीज़ का मैं इतने देर से इंतज़ार कर रहा था तो वो फाइनली आ गया। तो ये देखो, ये मेरा सुंदर सा छोटा सा प्यारा सा सिट्जू, मेरा प्यारा सा पपी सिट्जू नॉडी। तो यार ये मैंने जिनसे बाय किया था वो है ये भाई, इनका नाम है अबे और इनका यूट्यूब में चैनल भी है जिसका नाम है अबे पेट लवर्स। तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इनके पास बहुत सारी ब्रीड्स भी हैं। भैया बताना अपनी ब्रीड्स के नाम।
लासा एप्सो मिल जाएगा आपको मेरे पास, सीटजू मिल जाएगा ओनली फॉर, मैं अपने ही ब्रीड्स में काम करता हूँ, अदर अरेंजमेंट्स के काम नहीं करता मैं बिल्कुल भी। जर्मन शेफर्ड मिल जाएगा, ब्लैक टैंक जर्मन शेफर्ड अच्छी क्वालिटी में, तो आप भाई ट्रस्ट करके ले सकते हो, कोई इशूज नहीं है। आपको पूरी श्योरिटी के साथ पपी मिलेगा आपके भाई के पास, बस आपको मन होना चाहिए लेने का, आपको उसके आगे पीछे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी के भी बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप बता सकते हो भैया, कोई टेंशन लेने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं भाई नहीं। और भैया के विश्वास के ऊपर कि कोई एडवांस वगैरह कुछ लिया था छोटू आपसे? कुछ एडवांस लिया था भैया, जम्मू से आए थे कल, कॉल पे बात हुई हो भैया को, मैंने बिना कुछ एडवांस के लिए यहाँ पे मैं डिलीवरी देने भी आया भैया को, भैया ऐसे ही ना छोटू? बिल्कुल। तो ये है, तो मैं आपको भैया का नीचे मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसने भी अगर अपना कोई भी ब्रीड इनसे बाय करनी है तो वो इनसे ले सकते हैं। देखो तंग भी कर रही है छोटा। तो भाई थैंक यू, तो अब बाकी की बात हम करेंगे बाहर जाके, तो इतने देख लिया आप सबको बाय। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं आपसे लास्ट टाइम कल मिला था जब हमने पपी ले लिया था, और उसके बाद मैं आज मिल रहा हूँ, उसके जो मैंने पपी ले लिया था उसके बाद मैं आपसे इसलिए मिला क्योंकि मैंने नया नया लिया था, और अभी ये छोटा सा बच्चा है और तंग भी करता है आपको जैसे कि पता है। तो फिर हमने उसी टाइम बस ये जैसे कि आप देख लो, इसलिए फिर हमने ले लिया, कंबल के अंदर बैठा हूँ और ये इधर बैठा हुआ सोया हुआ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अब मैं अपने घर पहुंच चुका हूं, मैं आपसे कल इसलिए मिला क्योंकि कल हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, वापस आके मैं नहाया धोया फिर जाके मैं फ्रेश हो गया, उसके बाद फिर मैं सोया रहा एक किस्म का खांसी ठीक भी हो रही, चलो इसको छोड़ो। तो जैसे कि हमने देखा कि हमने एक नया घर का नंबर लिया है, एक छोटा सा प्यारा सा पपी। तो रितिक कैसा है वो? रितिक ने देखा उसको अच्छा बहुत ज्यादा बिती हमको उधर तंग किए जा रही है। सामी भैया क्या लाए हुआ मेरे लिए बताओ, कौन सी बार्बी डॉल? आपको पता ही है कि जैसे लड़की में बार्बी डॉल होती है, बार्बी डॉल ये बार्बी डॉल वो, हमने इसको बताया नहीं था कि हम ये लेने गए हैं, पर जब से इसको देखा ना रितिक बहुत ज्यादा हैप्पी है ना, खुश है ना? ये भी अभी भी उठी है इसलिए इसके बाल भी इसके दवा में। तो गाइस ये वाला व्लॉग बस यहाँ तक ही रखते हैं, तो मैं आपसे मिलूंगा बाद में। तो गाइस ऐसे ही था ये कुछ दिनों का व्लॉग दिल्ली का और अपने प्यारे से पपी। इस वीडियो का यही एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि आपके पास इसी तरह की अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस मिलेंगे आपसे एक ऐसी बढ़िया से वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।